आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोविड के बाद या कोविड के साथ हमारा ट्रेवल कैसा होना चाहिए, हम कैसे घर से स्टेप आउट करें कि हमें ये डर ना रहे कि हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, या हम डर के मारे घर से निकल ही नहीं रहे और अंदर ही अंदर परेशान हो। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि ट्रैवल रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगे आपको मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक लेते हैं हम कोविड-19 पर। जी हाँ, आप जैसा कि जानते हैं कि 22 मार्च को हमारा लॉकडाउन 1 स्टार्ट हुआ था और आज 22 सितंबर में हमने पूरे 5 महीने कम्प्लीट कर लिए हैं लॉकडाउन के। अनलॉक 4 भी स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया के जिन्होंने ट्रेवल और टूरिज्म सेक्टर में काफी ज्यादा आपको छूट दे दी है। जो गवर्नमेंट्स के रूल थे वो काफी हद तक चेंज हो गए हैं और अब वो उतनी ज्यादा सख्ती नहीं बरत रहे हैं जितने शुरुआती दौर में कर रहे थे। एक्चुअली में दोस्तों, कोविड के चलते टूरिज्म सेक्टर को बहुत लॉस हुआ है, जो होटल इंडस्ट्री में है, जो टूरिज्म सेक्टर्स में है और जो रेस्टोरेंट वगैरह के ओनर है उन्हें काफी लॉस देखने को मिला है। उसके अलावा जो भारतीय जनता है वो भी घर में बैठे बैठे बोर हो चुकी है। जो ट्रेवलर्स हैं जिनको घूमना पसंद है उनके लिए तो ये टाइम बहुत भारी पड़ा है, लेकिन एक तरह से ठीक भी है, सेफ्टी पहले मायने रखती है, बाकी चीजें सब बाद में। बट अब आप देखो कि कोविड का ऐसा सीन है कि लोगों को अब कोविड के साथ मैनेज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोविड ऐसा नहीं है कि एक महीने दो महीने में चला जाएगा। तो लोगों को थोड़ी सी होशियारी और थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी सावधानी के साथ अगर वो अपना ट्रैवल प्लान करेंगे तो ऐसा भी नहीं कि कोविड के चलते हमें घर में पैक होकर ही रहना पड़ेगा। अगर हम प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे तो हम स्टेप आउट कर सकते हैं। और कोविड में आपका जो ट्रेवल है वो कैसे आपको प्लान करना चाहिए उसके बारे में मैं थोड़े से टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोविड के बाद या कोविड के साथ हमारा ट्रेवल कैसा होना चाहिए, हम कैसे घर से स्टेप आउट करें कि हमें ये डर ना रहे कि हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, या हम डर के मारे घर से निकल ही नहीं रहे और अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जो ट्रेवलर्स है जिसको बाहर निकलने का मतलब एक हैबिट होती है या जिसको शौक आप बोल सकते हो, तो उनको ज्यादा देर तक कैद करके आप रख नहीं सकते। और जैसे जैसे माहौल बदलता है वैसे वैसे रूल्स भी बदलते हैं। जैसे शुरुआत में गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट थी कोविड को लेकर के और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन थे, धीरे धीरे उन्होंने भी ऑब्जर्व करा और धीरे धीरे अपने जितने भी नियम कायदे कानून थे उसमें उन्होंने धीरे धीरे छूट देनी शुरू करी। तो ऐसे ही आप भी जो भी शुरुआत करो ना, धीरे धीरे करो, एकदम से बाहर बेफिक्र होकर निकलना भी ठीक नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप स्टेप आउट कर रहे हो, आप आपका ट्रेवल प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहले आप ये कोशिश करो कि आप ना नियर बाय प्लेसेस कवर करो। देखो, कोविड के चलते हमारा इंटरनेशनल ट्रेवल तो शायद एक साल तक बहुत स्लो होगा या ना के बराबर होगा। ये सब टोटली डिपेंड करता है कि कोविड की वैक्सीन कब आती है, कैसे आती है, और उसके बाद शायद सीन कुछ और ही होगा। लेकिन जब तक कोविड की वैक्सीन नहीं निकलती है इंटरनेशनल ट्रेवल के बारे में कुछ भी कमेंट करना अभी ठीक नहीं होगा। तो हमें वैसे भी इंडिया को सपोर्ट करना है और इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे इंडिया के ट्रेवल से। तो स्टार्ट में आपको अपना ट्रेवल प्लान करते समय ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप ना नियर बाय प्लेसेस कवर करना शुरू करो जो आपके लोकेशन से 100, 150, 200 या 250 किलोमीटर है। मैक्सिमम आप 300 किलोमीटर भी आराम से 8 घंटे के ट्रेवल में कवर कर सकते हो। तो आप ये कोशिश करो कि आपके लोकेशन के 300 किलोमीटर के एरिया तक ही आप ट्रेवल अपना प्लान करो। नंबर वन आपको ये ध्यान रखना है। नंबर टू, आप कोशिश करो कि आप छोटे ग्रुप में ट्रेवल करो। आप 4-5 फ्रेंड्स, आप सोलो भी जा सकते हो, 2 लोग हो, 3 लोग हो, ठीक है, बट बहुत बड़ा ग्रुप मत लेकर के चलो। तो आप छोटे छोटे ग्रुप में ट्रेवल करो तो ये सेफ्टी के हिसाब से एक अच्छा स्टेप रहेगा। तीसरा, आपको क्या कोशिश करनी है कि सपोज अगर आप 4 लोग निकल रहे हो तो आपने एक इनोवा गाड़ी, अपनी प्राइवेट गाड़ी हायर करो जो ड्यूरिंग द ट्रिप आपको घर से लेकर के पूरा ट्रिप खत्म करने के बाद वही गाड़ी घर पे ड्रॉप करेगी। तो उससे क्या होगा, आपको बार बार व्हीकल चेंज नहीं करना होगा, तो आपके पास किसी दूसरे व्हीकल में बैठने पे इन्फेक्शन होने का डर, ड्राइवर चेंज होने पे इन्फेक्शन होने का डर, वो सब चीजें थोड़ी कम हो जाएंगी। तो आप अपनी एक प्राइवेट गाड़ी जब हायर करके जाओगे तो एक बार उसको अच्छे से सैनिटाइज करा करके फिर आपने ट्रिप स्टार्ट करी। देन ड्राइवर को आप इंस्ट्रक्शन देके रखो कि डेली के डेली गाड़ी को सैनिटाइज करना है। पहला जो इसका टिप है वो यही कि आप अपने लोकेशन के 300 किलोमीटर के आसपास का ही एरिया
कवर करो, मतलब इतना करो कि आप एक प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हो या आपकी खुद के व्हीकल से जा सकते हो, उतनी दूर का लोकेशन कवर करो। नंबर टू, आप सिंगल प्लेस के लिए ही टारगेट करो। जी हाँ, एक ही ट्रिप में आप चार प्लेसेस कवर करने की कोशिश मत करो। आप सपोज मैं अपने लोकेशन से बात करती हूँ, चलो मैं यहाँ से इगतपुरी का प्लान करती हूँ, इगतपुरी जाएंगे हम, इगतपुरी में जिस होटल में स्टे लेंगे उसी होटल में ही दो नाइट तीन नाइट रुकेंगे और उसी होटल में स्टे करते हुए वही एक रूम हमारे लिए रहेगा और हम आसपास के प्लेसेस उसी गाड़ी में कवर करेंगे जो हमने मुंबई से हायर करी है। तो सेफ्टी के नजरिए से ये चीज काफी काफी अच्छी रहेगी आपके लिए। तो कोविड में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो उसमें एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हमारा नियर बाई एरिया का ट्रिप प्लान करें। नंबर टू, हम सिंगल लोकेशन चूज करें। और नंबर थ्री, हम प्राइवेट गाड़ी अपने घर के लोकेशन से लेकर के जाएं। तो ये ऐसी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, तो आप ये एक छोटे से स्टेप और छोटे से ट्रिप से शुरू करो और धीरे धीरे माहौल जैसे जैसे ठीक होता जाएगा वैसे वैसे हमारा ट्रिप्स के भी जो ट्रिप्स है उसमें भी थोड़ा स्पीड आता जाएगा। तो एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब कभी आप कोविड में ट्रेवल कर रहे हो, किसी भी तरीके का ट्रेवल कर रहे हो, एक दिन का, दो दिन का, चार दिन का, अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हो, अपने नेटिव प्लेस में जा रहे हो, ड्यूरिंग द ट्रेवल आपने मास्क रेगुलर पहन के रखना है, वहां पर आपको लापरवाही नहीं करनी है बिल्कुल भी। और दूसरा, आपके साथ एक पॉकेट में हैंडी सैनिटाइजर की बॉटल होनी चाहिए जो आप हमेशा आपकी पॉकेट या पर्स में रखो। सो फ्रीक्वेंटली आप अपने हाथों को प्रॉपर सैनिटाइज करते रहोगे, उसमें भी कोताही नहीं बरतनी है। अपने स्नैक्स वगैरह आप घर से ही कैरी करेंगे, बाहर से थोड़ा कम अवॉइड करेंगे लेने का। और लंच और डिनर के टाइम पर आप अपने हाथों को प्रॉपर धो करके या प्रॉपर अच्छे से सैनिटाइज करने के बाद ही आप खाना खाएंगे। तो अगर आप मास्क का, सैनिटाइजर का और थोड़ी सी ऐसी स्पेस जहां आपको भीड़ भाड़ लग रही है तो थोड़ा वहां पर आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे लोगों से, तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आज की डेट में कोविड के 96,000 वन डे में रिकॉर्ड हो रहे हैं केसेस, तो ये बहुत बड़ा बड़ा आंकड़ा है और लोगों के मन से डर निकल गया है लेकिन कोविड खत्म नहीं हुआ है। तो हमें थोड़ी प्रिकॉशन तो फॉलो ही करनी है, स्पेशली जब आप घर से स्टेप आउट हो रहे हो तो प्रिकॉशन जरूर फॉलो करने हैं, लापरवाही नहीं करनी है। ट्रेवल आपका पैशन है, करिए लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। तो टोटल टिप्स एक बार हम रिवाइड कर लेते हैं। घर के नियर बाय लोकेशन 300 किलोमीटर के अंदर आप लोकेशन चूज करिए, सिंगल लोकेशन टारगेट करिए ट्रेवल के लिए, प्राइवेट गाड़ी हायर करिए जो आपकी लोकेशन से स्टार्ट होकर के वापस आपकी लोकेशन पे ही आपको ड्रॉप करे, सैनिटाइजर और मास्क का रेगुलर यूज करना है और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। तो ये पांच रूल है जो आपको फॉलो करने हैं कोविड में ट्रेवल करते समय, इस तरीके से आपका एक सेफ ट्रेवल रहेगा। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे और आप इन ट्रेवल टिप्स को फॉलो करेंगे आपके ट्रेवल के दौरान, कोविड के ट्रेवल के दौरान। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।